आई एम डॉक्टर सलमा अब्दुल सत्तार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, जेटी आर्ट साइंस कॉमर्स कॉलेज फॉर वुमेन, मालेगांव। दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर TYBA पॉलिटिक्स G3 यूनिट 5 मार्क्सिज्म एंड सब यूनिट इज थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी विच इज डिस्क्राइब्ड बाय कार्ल मार्क्स, the theory of surplus value. Surplus means zayad, value means कीमत। अभी ये theory जो है surplus value की, इसके बारे में जो है हम देखेंगे कि the theory of surplus value is the central point in Marxism. Marxism का central और focal point जो है वो बुनियादी नुक्ता जो है वो हमको दिखता है surplus value. And is one of the greatest contributions of कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस में से एक जो है वो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ सरप्लस वैल्यू ऑन द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल लेबर। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसने ये जो थ्योरी शुरू की कार्ल मार्क्स ने, इस थ्योरी के बारे में हम देखेंगे, वो कहता है इट इज द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल लेबर। क्लासिकल लेबर जो था उसका जो बेसिक है, बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ सरप्लस वैल्यू है। थ्योरी ऑफ वैल्यू, एक तो क्लासिकल लेबर उसकी फाउंडेशन है, दूसरी है थ्योरी ऑफ वैल्यू, साथ ही साथ एक्सपाउंडेड प्राइमरीली बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो की जो थ्योरी थी, ही वॉज ए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, उन्होंने जो बयान किया था थ्योरी ऑफ वैल्यू और क्लासिकल लेबर, उसी की मॉडर्न शक्ल है सरप्लस वैल्यू, जिसको के डिस्क्राइब किया कार्ल मार्क्स ने। यानी कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी है सरप्लस वैल्यू की, इट इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डोज थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ क्लासिकल लेबर। मार्क्स ब्लू डैट वैल्यू ऑफ ए थिंग इज डिटरमाइंड सोली बाय द लेबर। कार्ल मार्क्स कहता है कि किसी भी चीज, किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, इट इज डिटरमाइंड, उसका तयन किया जाएगा सोली, मुकम्मल तौर पे, बाय द लेबर, लेबर के जरिए। यानी हम देखेंगे उसके ऊपर जो मेहनत लगी है, जो मजदूर ने काम किया है, उसके हिसाब से उस चीज की वैल्यू जो है वो तय की जाएगी। हेंस द होल ऑफ द वैल्यू शुड बी पेड टू द लेबरर। इसलिए जो हम देखेंगे कि जब लेबर की जो है मेहनत के एतबार से चीज़ों की कीमत तय होगी, तो द होल ऑफ द वैल्यू, पूरी कीमत जो है शुड बी पेड, अदा कर देनी चाहिए टू द लेबरर, मजदूर को, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने में मजदूर ने काम किया, तो मजदूर को वो पूरी वैल्यू पे कर देना चाहिए। ही फर्दर आर्ग्यूज डैट, आगे जो है कार्ल मार्क्स आर्ग्यू करता है, बहस करता है, लेबर इज आल्सो ए काइंड ऑफ कमोडिटी। जो मेहनत लगी है वो भी एक तरह की कमोडिटी है, इट इज ए काइंड ऑफ कमोडिटी, एक चीज है, एंड इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड, और इसकी वैल्यू जो है वो तय है, लाइक डैट ऑफ एनी अदर कमोडिटी। जिस तरह से दूसरी अशिया, दूसरी चीजों की कीमत तय होती है, उसी तरह से मजदूर की मजदूरी भी तय होती है, वो जो मेहनत करता है, जो वो काम करता है, इट शुड बी डिटरमाइंड फर्स्ट, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए कमोडिटी लाइक अदर कमोडिटीज। साथ ही साथ इट्स वैल्यू इन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड द बाय द लेबरर। इसकी वैल्यू, लेबर की वैल्यू, ये जो है इन एक्सचेंज, तबादले में, बदले में, इज डिटरमाइंड, तय की जाएगी बाय द लेबरर। यानी लेबरर ने लेबर पेश किया है, मजदूर ने मजदूरी की है, तो मजदूरी की कीमत तय करना भी मजदूर के हाथ में होना चाहिए, ऐसा जो है ये थ्योरी कहती है। हेंस इट इज एसेंशियल, इसलिए ये लाजमी है, ये जरूरी है कि एवरी लेबरर मस्ट गेट वेजेस। हर लेबरर जो है, हर मजदूर को पाना जरूरी है वेजेस, वेजेस यानी तनख्वाह, पेमेंट, सैलरी, सफिशियंट इनफ,
बहुत ही ज़्यादा काफ़ी, जो कि उसके लिए सफिशियंट है टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, ताकि उसका बॉडी उसका सोल एक साथ उसको एक्सेप्ट करे, मीन्स वो दिल से उस बात को कबूल करे और उसका जिस्म भी इतनी मेहनत करने के बाद वो सेटिस्फाइड रहे कि यस मुझे सफिशियंट वेजेस मिली हैं, मैंने जो काम किया उसका सही मेहनताना मुझे मिल गया है, एंड ऑल्सो मेंटेन हिज फैमिली, और फिर उस सफिशियंट वेजेस से वो अपनी फैमिली को मेंटेनेंस कर सके, उनका खर्चा चला सके। दो द लेबरर इज द क्रिएटर ऑफ द वैल्यू, जो चीज़ों की कीमत है उसको क्रिएट करने वाला क्रिएटर लेबरर ही होता है। लेबरर काम करता है तब प्रोडक्ट आती है, प्रोडक्ट जब आती है तब वैल्यू आती है, और फिर प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो भी लेबरर की वजह से है। तो फॉर ईच एंड एवरी थिंग द क्रिएटर इज द लेबरर, द कैपिटलिस्ट डज नॉट पे हिम फुल ड्यू बट ओनली ए पार्ट ऑफ इट, जो सरमायादार है जो कैपिटलिस्ट है वो मजदूर को उसकी मेहनत के एतबार से पेमेंट नहीं करता है, सिर्फ वैल्यू का कुछ हिस्सा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ही मजदूर को देता है। यानी इन शॉर्ट हम यहाँ कहें कि कार्ल मार्क्स कहता है कि पूरी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में मजदूर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, पर उसमें ज़्यादा फायदा जो है वो कैपिटलिस्ट ले लेता है और मजदूर को कुछ हिस्सा देता है सिर्फ उसकी मजदूरी के एतबार से, बाकी पूरा प्रॉफिट इट इज़ गोइंग इन द पॉकेट ऑफ द कैपिटलिस्ट ओनली। तो सेठ की तिजोरी भर रही है और मजदूर जो है पुअर बिकम्स पुअरर और जो है रिच बिकम रिचरर, इस तरह का कंसेप्ट यहाँ पे हमको दिखता है। लेबरर क्रिएट्स टू वैल्यूज, अब देखिए वैल्यूज जो है टू टाइप्स की लेबरर क्रिएट करता है, पहली है नेसेसरी वैल्यूज, पहले तो लाजमी जो ज़रूरी है, यानी उस चीज़ के ऊपर जो कुछ भी खर्च हुआ है उसकी मेहनत, जो कुछ भी कॉस्टिंग लगी है, रॉ मटेरियल लगा है, जो कुछ भी उसके ऊपर साजो सामान लगा है, तो ये नेसेसरी वैल्यू में आएगी कि ये तो इतना लगा ही है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। एंड सेकंड जो वैल्यू जो वो क्रिएट करता है लेबरर, डेट इज़ सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू मीन्स मुनाफा, उस प्रोडक्ट के ऊपर तमाम कॉस्टिंग निकालने के बाद जो मुनाफा बचेगा दैट इज़ कॉल्ड एज सरप्लस वैल्यू। तो ये सरप्लस वैल्यू और नेसेसरी वैल्यू बोथ आर क्रिएटेड बाय द लेबरर क्लास ओनली, देयर इज नो शेयर ऑफ कैपिटलिज्म इन दिस वैल्यू। द वेज पेड टू द लेबरर इज इक्वल टू द नेसेसरी वैल्यू, जो वेज पे की जाती है लेबरर को, जो तनख्वाह दी जाती है वो इक्वल है नेसेसरी वैल्यू के, यानी नेसेसरी वैल्यू में जो जो चीज़ें लगी है उसको निकाला जाता है, तो लेबरर की जो मजदूरी भी है वो उसी में से निकाल ली जाती है नेसेसरी वैल्यू में, और जो सरप्लस वैल्यू है यानी जो मुनाफा है उसमें मजदूर का कोई शेयर नहीं होता है, मजदूर को उसमें से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द वर्करर्स ड्यू द सरप्लस इज टेकन अवे द बाय द कैपिटलिस्ट एम्प्लॉयर। यहाँ पे हम देखेंगे रिमेनिंग मेजर पार्ट जो है नेसेसरी वैल्यूज निकालने के बाद एक बड़ा मेजर पार्ट बचता है, दैट इज सरप्लस वैल्यू, जो के हिस्सा होना चाहिए उसमें वर्कर का भी, पर वर्कर्स को हिस्सा नहीं दिया जाता है, और इट इज़ टेकन अवे बाय द कैपिटलिस्ट एम्प्लॉयर, जो सरमायादार है जो एम्प्लॉयर है वो पूरा प्रॉफिट उसको ले लेता है। यानी हम देखेंगे बिहाइंड नेसेसरी वैल्यू बिहाइंड सरप्लस वैल्यू देयर इज वन क्रिएटर दैट इज लेबरर क्लास, और लेबरर क्लास आर गेटिंग ओनली द नेसेसरी वैल्यूज नॉट द सरप्लस वैल्यू, इट इज गोइंग विद द हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट एम्प्लॉयर, वो उसके पास चली जाती है, वो उनको कोई भी हिस्सा उसमें से नहीं देता है। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए कॉमोडिटी, फर्क हम देखेंगे इसके बीच में द वैल्यू ऑफ कमोडिटी, उस चीज़ की वैल्यू एंड एक्चुअल पेमेंट, और एक्चुअल जो पेमेंट किया जा रहा है मेड टू द लेबरर रिप्रेजेंट्स सरप्लस वैल्यू। यानी हम देखेंगे एक चीज़ की कमोडिटी है और एक्चुअल पेमेंट जो है लेबरर को दिया गया, उसके बाद जो पैसा बचा
वो रिप्रेजेंट करता है सरप्लस वैल्यू को विच इज मिस अप्रोप्रिएटेड और स्टोलन बाय कैपिटलिस्ट, और यह सरप्लस वैल्यू को गैर मुनासिब तरीके से सेठ अपनी जेब में रख लेता है। और आगे तो कार्ल मार्क्स ये भी कह दिया कि इट इज स्टोलन बाय द कैपिटलिस्ट, चोरी कर लिया जाता है कैपिटलिस्ट के जरिए। कैपिटलिज्म इट इज कॉल्ड एज डे टाइम रॉबरी, तो रॉबरी इज डन बाय द कैपिटलिस्ट, दिन दहाड़े मजदूर की जेब पे डाका डालना ये कैपिटलिस्ट का काम है, ऐसा जो है कार्ल मार्क्स का कहना है। इट इज मिस अप्रोप्रिएटेड और स्टोलन बाय द कैपिटलिस्ट, दिस इलीगल इनकम ऑफ द कैपिटलिस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट, और ये गैर कानूनी तरीके से कमाई हुई इनकम जो कि कैपिटलिस्ट ने कमाया है उसको हम कैसे जानते हैं एज ए प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट जो कुछ भी कैपिटलिस्ट ने कमाया है वो जबकि उसमें से ज़्यादा हिस्सा वो लेबरर क्लास का है, तो दिस इज द इलीगल इनकम एज डिस्क्राइब्ड बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहता है कि ये इलीगल है ये जो इनकम है, जो कि लीगली इट इज द राइट ऑफ द लेबरर क्लास बट इट इज स्टोलन बाय द कैपिटलिस्ट क्लास, तो कार्ल मार्क्स कहता है कि इट शुड बी स्टॉप्ड समवेयर। द ग्रेटेस्ट एम्प्लॉयर द ग्रेटर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा किसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फिर वर्कर का, वर्किंग क्लास का। देयर इज द स्वेट्स ऑफ द लेबरर्स, मजदूरों का पसीना है, मजदूरों ने पसीना बहाया है तब ये सरप्लस वैल्यू जनरेट हुई है, तो मजदूरों को उसमें से वो हिस्सा देना ही चाहिए, जबकि ऐसा कैपिटलिस्ट क्लास नहीं करता है, तो ये खुला खुला एक्सप्लॉयटेशन है वर्किंग क्लास का। द हायर इज द सरप्लस वैल्यू, मजदूर को जो पैसा दिया जाता है उससे कहीं बहुत ज़्यादा हायर सरप्लस वैल्यू वो सेट अपनी जेब में रख लेता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्क्स हिमसेल्फ कंसिडर्ड हिज थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, कार्ल मार्क्स खुद से ही ही हिमसेल्फ कंसिडर्ड वो कायल होता है कि उसकी ये जो थ्योरी है सरप्लस वैल्यू की इसका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा कारहाय नुमाया है किसमें, प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, माशी हम जायजा ले और मईशत जो तरक्की कर रही है अगर उसका जायजा ले तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थेरी दिखती है वो है सरप्लस वैल्यू की थेरी विच इज डिस्क्राइब्ड बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहता है कि मेरी ये जो थेरी है वो इकोनॉमी को पूरा डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से डे टाइम रॉबरी हो रही है और सरप्लस वैल्यू इज स्टोलन बाय द कैपिटलिस्ट क्लास, एक्चुअली सरप्लस वैल्यू इज द शेयर ऑफ द वर्किंग क्लास ओनली बट इट इज स्टोलन, और लेबरर्स को ओनली सिर्फ वेजेस दी जाती हैं उसको शेयर नहीं दिया जाता है। इट इज थ्रू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के जरिए द वाइड स्कोप ऑफ हिज सोशोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल थॉट, अभी आप देखिए कि वाइड स्कोप हमको दिखता है, वाइड यानी वसी, स्कोप यानी वसत, उसकी जो है सोशोलॉजिकल समाजियाती एंड हिस्टोरिकल तारीखी थॉट मीन्स सोच फिक्र नज़रिया, उसकी समाजियाती और तारीखी जो सोच है इस थ्योरी की वजह से उसको वाइड स्कोप मिलता है, बहुत जो है स्कोप आगे दिखता है, और ये चीज़ें मिलकर ये थ्योरी जो है उसको कार्ल मार्क्स को क्या करती है इनेबल्स, काबिल बनाती है हिम कार्ल मार्क्स को साइमल्टेनियसली, है ना, साइमल्टेनियसली मीन साथ ही साथ टू प्लेस द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इन हिज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तारीखी हवाले से उसने जो मोड ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग दौर में अलग अलग लोगों के हाथ में बताया था, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स की जो हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन है मटेरियलिज्म की उसमें कार्ल मार्क्स कहता है कि अलग अलग दौर में अलग अलग लोगों के हाथ में मोड ऑफ प्रोडक्शन था, तो इस दौर में कैपिटलिस्ट क्लास के पास है, तो इट शुड बी, कार्ल मार्क्स कहता है कि इट शुड बी द मोड ऑफ प्रोडक्शन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ सोसाइटी ओनली, इन द हैंड्स ऑफ वर्किंग क्लास ओनली, एंड टू फाइंड द रूट ऑफ इट्स इनर इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शंस, इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शन यानी माशी तजाद
कॉन्ट्राडिक्शन यानी तसादुम तजाद, तो इनर अंदरूनी तौर पे जो मईशत डावाडोल हो रही है उसकी जड़ें ढूंढने में अगर हम देखें तो कार्ल मार्क्स को ये थ्योरी बहुत ही हेल्पफुल है। वो बोलता है कि सरप्लस वैल्यू की थ्योरी जो है इट इज़ द रूट कॉज फॉर इनर इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शन। मईशत जो तजाद में चल रहा है मईशत में, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रूट दैट इज सरप्लस वैल्यू एंड इट्स लॉज ऑफ मोशन। और इसका मईशत का जो लॉज ऑफ मोशन है वो इन द स्पेसिफिक रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन ऑन विच इट इज़ बेस्ड। यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पेसिफिक रिलेशंस दिखता है प्रोडक्शन का, स्पेसिफिक रिलेशन यानी खास रिश्ता दिखता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन अगर प्रोड्यूस हो रही है तो लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्शन देयर मस्ट बी ए मोशन ए मोमेंट। अब यहाँ पे हम देखेंगे मजदूर मजदूरी नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कैसे होगा। तो प्रोडक्शन का रिलेशन डिस्क्राइब करने के लिए देयर इज लॉ ऑफ मोशन इन इकोनॉमिक्स और ये जो है इसकी बेस सरप्लस वैल्यू पे है। देखिए मजदूर मेहनत करता है किसके लिए, कि उसको बदले में कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले, मटेरियल प्रॉफिट मस्ट बी देयर। और मजदूर जो है इसलिए जो है हरकत कर रहा है, काम कर रहा है, और जब बदले में उसको उसकी मजदूरी मिलती है तो वो खुश हो जाता है, पर उसको उसकी मजदूरी सही तरह से नहीं मिल रही है जो कि उसका राइट है। तो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि अगर प्रोडक्शन आ रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी जो नेसेसरी वैल्यू है वो तो मिल रही है लेबरर को, पर जो सरप्लस वैल्यू है वो जायद है, नेसेसरी वैल्यू से कई गुना ज़्यादा बड़ी सरप्लस वैल्यू होती है। तो ये सरप्लस वैल्यू तो सेट के पास जा रही है, तो ये सेट के पास क्यों जाए। ये जो है सरप्लस वैल्यू इट शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ल मार्क्स कहता है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है जो उसकी, वो यही कह रहा है सरप्लस वैल्यू जो है इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाए। सिर्फ इट इज नॉट द राइट ऑफ द वर्किंग, इट इज नॉट द राइट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, इट इज द राइट ऑफ वर्किंग क्लास एज वेल एज सोसाइटी। मीन्स देयर इज सोशलिज्म, दैट इज द थ्योरी इक्वल प्रोडक्शन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि ये थ्योरी है, इट इज़ द रूट, और यहाँ पे हमको ना सिर्फ इस रूट को जो है जानना है, इस कॉज को पहचानना है, बल्कि सॉल्यूशन भी देना है। तो इन ब्रीफ इन नटशेल वी कैन से दैट द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज द बेस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ईच एंड एवरी थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स विच ही डिस्क्राइब्ड। द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज द सेंट्रल एंड फोकल पॉइंट ऑफ मार्क्सिज्म, इट इज द मेन कॉज ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज द मेन थिंग फॉर ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ द वर्किंग क्लास ऑल्सो। तो लास्ट में हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स कहता है कि इट शुड बी गिवन टू द वर्किंग क्लास नॉट द कैपिटलिस्ट क्लास, इट इज नॉट द राइट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास बट द वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास का पूरा क्लेम है बिकॉज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने ही किया है और उन्होंने ही उसके ऊपर काम किया है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज द सरप्लस वैल्यू, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, फील फ्री आस्क मी, आई विल सॉल्व यूर ऑल डाउट्स एंड ऑल क्वेश्चंस। थैंक यू।